सरकार का पक्ष लेने की वजह से कुछ मीडिया चैनल और उनके पत्रकारों को काफ़ी ट्रोल किया जाता है। हाल ही में न्यूज़ 18 के पत्रकार अमीश देवगन को ट्विटर पर काफ़ी ट्रोल किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुत्ता, जिसका नाम गुल्लू है, मीडिया में पॉपुलर हुआ। इसके साथ ही एक RTI के माध्यम से पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 160 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च किए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा राशि न्यूज़ 18 चैनल को दी गई है। ट्विटर पर एक हैशटैग सॉरी गुल्लू काफ़ी ट्रेंड हुआ। इन सब के बाद अमीश देवगन एक वीडियो में सामने आए जिसमें थोड़े गुस्से भरे लहजे में बात कर रहे हैं। बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया अपना काम करता है। अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं और ये कमजोरी की निशानी है। ईवीएम खराब है, कमजोरी की निशानी है। मीडिया खराब है, कमजोरी की निशानी है। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं मीडिया बिका हुआ है और यहां पर 4-5 लोग जो है वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, पूरा गैंग चलाता कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट, हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन, हम कंट्री की बात करते हैं और देश के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मीडिया इनको बिकाऊ लगता है। आई एम अपॉल्ड, आई फील सॉरी फॉर दोस पीपल। कभी किसी टेलीफोन कंपनी को बीच में लेके आते हैं, क्या मतलब है? देश के अंदर अगर आपको वार करना है तो आपको देश के पूंजीपति मिलते हैं वार करने के लिए। क्यों आपका वार अमेज़न पे नहीं होता? क्यों आपका वार बाहर की कंपनियों पे नहीं होता? आपका वार सिर्फ उन्हीं पे होता है तो देश की मिट्टी से लोग बने हैं, उस देश की मिट्टी। लेकिन जिसका जो कार्य होता है वो करता है। सिपाही का कार्य है सरहद की रक्षा करना, किसान का काम है कि वो अनाज पैदा करे, टीचर का काम है वो देश का भविष्य तय करे, और मीडिया का काम है वो खबरों को रिपोर्ट करे। लेकिन हमारे देश के अंदर ये जो चलन है ये बड़ा कमजोरी का चलन है। इसमें वे कह रहे हैं कि कमजोर लोग ही माध्यम पर वार करते हैं और मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। अमीश देवगन जब भी किसी BJP नेता का इंटरव्यू करते हैं तो उनसे तीखे सवाल करने की बजाय तारीफ करते ज्यादा नजर आते हैं। 2022 का चुनाव, यानी 2022 का विधानसभा चुनाव अगले साल है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में चल रहे हैं। आखिरकार जनता के मन में जो भी सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे, आपके दिल में जो सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क। धन्यवाद जी। सबसे सवाल उन्होंने पूछा आपसे कि योगी जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं? नहीं, मैं पढ़ मोदी जी की कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, तो योगी जी की कैबिनेट का विस्तार अब होगा नहीं होगा 2022 से पहले? देखिए, मुझे लगता है कि आपके पास ज्यादा पुख्ता जानकारी होगी और आप मुझे उस जानकारी को शेयर कर लेंगे तो मैं उसको आगे लेके चलता हूँ। जी चलिए, मेरे पास कैसे जानकारी होगी, जानकारी तो आप देंगे, कैबिनेट आपकी है। 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं, परीक्षा होगी? देखिए, अमीश ने अपनी वीडियो में कहा कि वह देश की बात करते हैं। उनका कहना है हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते, हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन, हम कंट्री की बात करते हैं और देश के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मीडिया इनको बिकाऊ लगता है। मगर देश में हाल के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, इन सब पर अमीश ने कब बात की? आप उनकी डिबेट देखेंगे तो ज्यादातर सवाल विपक्ष से होते हैं, और अगर विपक्ष मुद्दा नहीं है तो हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर डिबेट तो वो कर ही लेते हैं। मिशन 2022 के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार का अपना मूल मंत्र पेश कर दिया है। योगी सरकार ने 12 पन्ने की एक बुकलेट जारी की है जिसमें सबसे ऊपर राम लला की तस्वीर है, यानी राम का नाम है। यानी साफ है कि 2022 का चुनाव में राम मंदिर और हिंदुत्व की पूरी छाप रहेगी इस तस्वीर के नीचे प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल यह है कि क्या उमर गौतम और काजी जहांगीर जैसे लोग सिर्फ मोहरा है, क्योंकि धर्मांतरण का जो बड़ा रैकेट भारत में सक्रिय है उसके तार
और ताल दोनों विदेश में फैले हैं। आज काशी में ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की साझा यानी डबल ताकत दी और एक संदेश दिया गया कि विपक्ष के लिए 2022 की चुनौती बहुत कठिन होगी। एक क्या विपक्ष इसका तोड़ ढूंढ पाएगा, आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या विपक्ष पर भारी है मोदी योगी का ब्रांड, आज का आर पार इसी पर। अमीश देवगन की पत्रकारी को लेकर जो भी सोचते हैं कमेंट करके हमको बता सकते हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।